गजा में नसारत कैंप खान यूनिस और रफा समेत दीगर इलाकों पर इसराइली हमलों से मजीद कई फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। शहदा की मजमू तादाद 21,507 से तजावज कर गई जबकि 55,915 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। इसराइली अफवाज की जानब से तयशुदा रास्ते पर सफर के बावजूद अकवामे मुत्तहिदा के इसराइली इदारे के इमदादी काफिले पर भी फायरिंग कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द कमांडर रासेब खोड़े समेत 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी के मुताबिक कार्रवाई समेत भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस थे। ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है जबकि जनरल नशिस्तों पर आम इंतखाबात के लिए कागजात की जांच पड़ताल का आखिरी रोज है। दूसरी जानब महसूस नशिस्तों के लिए कागजाती नामजदगी की तारीख तब्दील कर दी गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज होगी। बिलावल भुट्टो के MA 127 से कागजात नामजदगी पर दरख्वास्त का फैसला भी आज होगा। और मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना, मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद, मोटरवे M5 शेरशाह से रोहड़ी और मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया।